आज मेरे व्यूअर्स के लिए एक और नियुक्ति सूचना संबंधी है। तो देख सकते हैं, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय बोकारो पंचायत शाखा नियुक्ति संबंधी सूचना। तो चलिए इस नोटिस को शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज झारखंड रांची के अधिसूचना संख्या 1/2016 के अंतर्गत है। तो ये मतलब पंचायत शाखा का नियुक्ति संबंधी सूचना है, ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज। तो आप देख सकते हैं, तो बोकारो जिले के सभी, यहाँ लिखा हुआ है 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत बोकारो जिले के सभी ग्राम पंचायतों के लिए 2 प्रति प्रखंड के दर से कनीय अभियंता के कुल 18 पदों के विरुद्ध रिक्त 3 पदों एवं प्रत्येक 3 पंचायत पर एक लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल 83 पदों के विरुद्ध रिक्त कुल 8 पदों पर मासिक मानदेय पर नियुक्ति के लिए सुयोग उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित परपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो देख सकते हैं, इतना सीट है कन्या अभियंता के लिए। आप देख सकते हैं टोटल संख्या है 3, जनरल सिर्फ जनरल के लिए ही है। अगर पिछड़ा आदि अनुसूचित जनजाति सभी भरना चाहते हैं तो वो सभी जनरल में ही भरना होगा कन्या अभियंता के लिए। अब देख सकते हैं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल है 8 पोस्ट। इस पे जनरल का नहीं है, सामान्य जिसको बोलते हैं उसको जनरल बोलते हैं, वो तो नहीं, एक भी पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है, फिर अनुसूचित जाति के लिए 1 है। तो मतलब इस पर पिछड़ा वर्ग भर सकते हैं, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 4 पोस्ट है। इस पर वही भर सकते हैं जिसका पिछड़ा वर्ग का 2 सर्टिफिकेट है, वही भर सकते हैं जो पिछड़ा वर्ग 2 के बिलोंग करते हैं। और अनुसूचित जाति के 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के 3 पोस्ट है। तो मतलब जेंडर का इसमें कोई पोस्ट नहीं है, वो रे भर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए और मासिक मानदेय कितना होगा वो देखते हैं। कन्या अभियंता के लिए अनिवार्य योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी से 60% होना चाहिए, उसका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए या फिर बीई होना चाहिए या फिर सब कुछ शैक्षणिक योग्यता मतलब उसी चीज़ में होना चाहिए। जैसे बीटेक कर रहा हो तो वो भी मतलब भर सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है उनका 50% होना चाहिए डिप्लोमा में, बीटेक में, बीए में। 17,000 देगा। और वाक्षरीय योग्यता क्या होना चाहिए, संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता मतलब कन्या अभियंता के लिए उस क्षेत्र में कुछ योग्यता होना चाहिए। अब देखते हैं लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर में उसमें क्या चाहिए, 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, बीकॉम के लिए बीएससी होना चाहिए, गणित के से बीएससी, बीए भी होना चाहिए गणित से अथवा सब कुछ डिग्री। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अंक में 5% की छूट हो रहेगी। जो अनुसूचित जो है, जो अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 5% छूट है ये आपका मार्क्स में। और 10,000 इसका देगा झारखंड की सरकार संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता अनुभव का प्राथमिकता दी जाएगी। जो इस लेखा कंप्यूटर में जो किए होगा जो जो चीज़ मांग रहती है
वो आप अगर आप किए रहेंगे और साथ में अनुभव रहेगा तो उसी को लिया जाएगा। अब देखते हैं उम्र सीमा होना चाहिए सामान्य वर्ग जो रहेगा जनरल में, देख लिखा उम्र सीमा 1/6/2019 को, कन्या अभियंता के लिए उम्र सीमा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अगर 40 वर्ष से ज़्यादा होंगे तो वो नहीं भर पाएंगे ये कन्या अभियंता के लिए। लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, जनरल वाला पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। जो नियुक्त की प्रक्रिया होगा, कन्या अभियंता एवं लेखा लिपिक सब ऑपरेटर की नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य एवं वांछनीय, अनुभव विशेष ज्ञान परीक्षा एवं कंप्यूटर टेस्ट के अंकों के कुल प्राप्त अंकों के जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा पर। तो मतलब कि शैक्षणिक योग्यता पे अनुभव होना चाहिए भी, फिर विषय उस विषय पे जो पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं पद पे उसका उस विषय पे ज्ञान परीक्षा भी होना चाहिए, विषय फिर कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, उस आधार पे सेलेक्ट किया जाएगा। मेधा सूची आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव जहाँ आवश्यक हो के प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक तत्शुद्धित लिखा है, आप खुद समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपका पढ़ के सुना दिया हूँ। सफल अभ्यर्थी को कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट भी देना अनिवार्य होगा। अच्छा, फिर देख सकते हैं अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्त दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। आप सभी देख सकते हैं। मूल्यांकन, आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों का किया जाएगा जो निम्न खंडों में विभाजित रहेगा। देखिए 100 मार्क्स का होगा टोटल, अनुभव के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50, वांछनीय योग्यता 10, अनुभव 10, विषय ज्ञान 20, कंप्यूटर ज्ञान के 10, ये हो गया। देख सकते हैं कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40% रहेगा, यानी 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है, अनिवार्य। देख सकते हैं कंप्यूटर परीक्षा में 40% मतलब 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य है। चयन के पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 50 अंकों में 50 अंक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु आयोग माने जाएंगे। मतलब कंप्यूटर वाला जो होगा आपका टेस्ट, उसमें आपका उसमें लाना है 10 में से 4, जो परीक्षा होगा 100 अंकों में सामान्य 50 अंक न्यूनतम 50 अंक, देख सकते हैं 40 अंक लाना अनिवार्य है टोटल में से। आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया, तो आप देख सकते हैं आवेदन कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे आप अपना ईमेल दें, मैं आपको भेज सकता हूँ। आप साइट को ये आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, बोकारो www.bokaro.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आप कैफे में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे भेजना है देखिए, आवेदन पत्र विभिन्न पत्रों पर स्पीड पोस्ट से भी डाक के माध्यम से, मतलब स्पीड पोस्ट के द्वारा डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, ये एड्रेस है जिला पंचायत कार्यालय बोकारो, ये सब मतलब एड्रेस है जहाँ पे आप पोस्ट करोगे, इसी पोस्ट पे कर रहा है। भेजे जा रहे वाले आवेदक पत्र के लिफाफे के ऊपर पद का नाम लिख रहा है अनिवार्य है, पद के ऊपर, पद जो आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर पद का नाम लिख रहा है जरूरी है। आप देख सकते हैं आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान कर रहा होगा जो निम्न निम्न होता है। देखिए कन्या
अभियंता के लिए जो पैसा जमा करना है आवेदन का, वो सामान्य श्रेणी के लिए 500, फिर अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 300, फिर लेखा से लेखा लिपिक सा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 500 है, फिर 300 है, 500 सामान्य श्रेणी मतलब जनरल के लिए, 300 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ST SC के लिए। अब जो आवेदन शुल्क जो जमा कहाँ कर रहे, देखिए लिखा हुआ है ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन, मतलब कि आपको कोई भी SBI बैंक ऑफ इंडिया पे जाना है और वहाँ पे जमा करना है बैंक, वहाँ पे लिखना है बोकारो इन फेवर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, टुअर्ड द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यदि आवेदक एक से अधिक पद आवेदन देना चाहते हैं, कोई भी आवेदक एक से अधिक देना चाहते हैं तो अलग अलग शुल्क जमा करना होगा, जैसे दोनों कन्या अभियंता और लेखा लिपिक सा कंप्यूटर दोनों देना चाहते हैं तो दोनों आप फॉर्म को ये दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग अलग अप्लीकेशन फी लगेगा। आवेदन पत्र जो है वो 31/7/2019 तक ही है, ठीक है, और आप सब देख सकते हैं इतना होता दिया हुआ। आवेदक को बोकारो जिला का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, मत देख लीजिए सिर्फ ये बोकारो जिला के लिए ही है और दूसरे जिला के लिए ये एप्लीकेशन नहीं है, तो सिर्फ ये बोकारो जिला, यहाँ साफ साफ लिखा है 7 में 7वां नंबर पे, आवेदक को बोकारो जिले का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, मतलब दूसरा जिला ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों का 100 सेवा शर्त निम्नित होगी, मतलब इसमें नियम कानून है ऐसे ऐसे देखा गया, देख सकते हैं आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, ये मतलब नियुक्ति लेने के बाद है। और ये फॉर्म है पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम कैंडिडेट, कहीं भी दिक्कत होगा आपको कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल मुझे मेरा मांगोगे तभी दूंगा, देख सकते हो। और अगर ये मेरा ब्लॉग, ये वीडियो, ये आपका जो दिया हूँ वो पसंद आया हो तो मेरा इसमें लाइक कर दे, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल दबा के और ALL पे क्लिक करें, तभी मेरा कोई भी ब्लॉग और वीडियो आपके यहाँ पहुँच जाएगा जल्दी, ठीक है। मैं आपको कुछ इसी तरह जानकारी देता रहता हूँ और दूंगा। शुक्रिया।